आज हम लोग चेक करेंगे FR-107 जो हमारा फास्ट रिकवरी डायोड है, इसको किस तरह से चेक करते हैं मल्टीमीटर से और इस पर क्या रीडिंग आनी चाहिए जिससे हम ये कह सकें कि हमारा जो डायोड है वो वीक है या ख़राब हो चुका है, फुली शॉर्ट है तो उसके लिए, या फुली ओपन हो गया है तो उसके लिए इसको हम रीडिंग की सहायता से चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास जो डायोड है उसका मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, FR-107, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी हमें जब कंपोनेंट चेक करना रहता है तो हम उससे उसकी सबसे पहले निकालते हैं डाटा शीट। डाटा शीट निकाल लेंगे तो आ चुके हैं हम स्क्रीन पे। यहाँ पर फास्ट स्विचिंग रेक्टिफायर डायोड है ये, 107 से लेकर के 101 FR जो भी सीरीज होती है इसकी, उसका जो मेन फंडा है वो 1 एम्पियर का है और जो इनकी रेंज होती है 50 वोल्ट से लेकर के 1000 वोल्ट तक है। तो रेंज किसकी कितनी रेंज रहने वाली है वो हम फीचर जो हैं इसके, फास्ट फॉरवर्ड वोल्टेज, हाई करंट कैपेसिटी, लो लीकेज करंट, हाई सर्ज कैपेबिलिटी और लो कॉस्ट, मतलब सस्ता ही पड़ता है ये। और जो FR-101 है वो 50 से लेकर 35 तक का है, 102 जो है 50-70। तो यहाँ पर हमारा 107 है FR, तो ये 1000 से लेकर के 700 वोल्ट के बीच में काम करेगा। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो इसी सेम जो हमारी डेटा शीट है इसी के हिसाब से हम दूसरा कंपोनेंट इस पर मैच कराएंगे। 10% अप डाउन चलता है, बस मेन यही है कि यहाँ पर 1 एम्पियर का डायोड अगर लगा हुआ है तो वहाँ पर हमें इसका यूज कर देना है। चलिए अब चेक करते हैं इसको किस तरह चेक करना है। मल्टीमीटर सेट करेंगे कंटिन्यूटी मोड पर और इसको इस तरह चेक करेंगे, इससे बीप साउंड आनी चाहिए। इसमें वन साइड रीडिंग आएगी, वन साइड रीडिंग नहीं आएगी, इसमें रीडिंग आनी चाहिए समथिंग समथिंग 525 से लेकर के 520 के बीच में, इससे ऊपर नीचे होता है तो वीक मानेंगे हम उसको। एक साइड रीडिंग आएगी एक साइड नहीं आएगी, तो चेक करते हैं इसको, इस साइड से रीडिंग नहीं आई है। अब इसको चेंज करेंगे, इस तरह से चेक किया है तो रीडिंग नहीं आई, इसको चेंज करेंगे तो इस पर रीडिंग आएगी, कुछ 518 के आसपास रीडिंग आ रही है तो ये फिलहाल अभी चलने लायक है। दूसरा चेक करेंगे, समथिंग रहता है तो ये हमारा जो डायोड है वो सही माना जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। बीप साउंड नहीं आनी चाहिए, अगर बीप साउंड आती है तो उसको सीधे ही खराब घोषित कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।